अल्लू अर्जुन एक ऐसा नाम जो अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक ऐसा सुपरस्टार जिसको अब हर कोई जानता है। वैसे तो अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा से संबंध रखते हैं, लेकिन अब बॉलीवुड के अंदर भी उनके बहुत से दीवाने हैं जो उनको चाहते हैं। चाहे उनकी एक्टिंग हो चाहे फिर डांसिंग हो, उनके सामने कोई भी स्टार टिकता नहीं। ऊपर से अल्लू अर्जुन का स्वैग सबकी बोलती बंद करके रख देता है। वैसे तो अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के भतीजे हैं और उनके पिता खुद एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ी और देखते देखते वो इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गए। आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अब तक आई 10 सुपर डुपर हिट फिल्मों के बारे में, जिनकी लिस्ट आज की वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनकी कामयाबी ने अल्लू अर्जुन को इतने बड़ा सुपरस्टार बना दिया कि वो नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गए हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10 आर्या। अगर बात की जाए अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म की, तो उनकी पहली फिल्म गंगोत्री थी जो एक सफल फिल्म थी, लेकिन अल्लू अर्जुन की लुक को लेकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए गए थे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने इन आलोचनाओं को पॉजिटिव तरीके से लिया और आर्या फिल्म में खुद को एक ऐसी लुक दी कि सबकी बोलती बंद करके रख दी। अगर फिल्म की बात की जाए तो फिल्म बहुत कमाल की है, वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और एक दिलचस्पी बनाई रखती है। आर्या फिल्म में वन साइड लव स्टोरी को दिखाया गया है और युवा इस फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं, उनको ये कहानी अपनी लगने लगती है। अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस और उनका डांस सब कुछ लाजवाब है। आर्या उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्मों की लिस्ट में आती थी, आप इस फिल्म को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नंबर 9 देशमधुरो। इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन के करियर में एक नया मोड़ आया। ये एक मास कमर्शियल फिल्म थी। हीरोइन के कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए जाने जाने वाले पुरी जगन्नाथ ने अल्लू अर्जुन को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया। इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को सही दिशा देने और करियर बनाने में बहुत हेल्प की। अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के अंदर फिर अपने डांस और एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं ज्वालामुखी के नाम से। नंबर 8 प्रोगो। अल्लू अर्जुन ने एक पूर्ण उत्तम दर्जे का मनोरंजन करने वाली फिल्म की ओर मोड ले लिया। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म उस दर्द को बयां करती है जिसका सामना हर पिता को करना पड़ता है जब उसकी बेटी अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर भाग जाती है। खासकर इस फिल्म के गाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन के कैरियर को एक ऊंचाई दी। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने नंदी और फिल्म फेयर दोनों अवार्ड जीते। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं। इस फिल्म का नाम है वीरता। नंबर 7 वेदम। हर एक्टर कुछ फिल्मों के साथ बड़ी मात्रा में सम्मान हासिल करता है और वही काम अल्लू अर्जुन की फिल्म वेदम ने दिया, जिसने अल्लू अर्जुन को बहुत ज्यादा सम्मान दिया। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। अल्लू अर्जुन इस फिल्म में एक मिडिल परिवार का लड़का बना हुआ है जो केबल का काम करता है, उसके सपने बहुत बड़े हैं और आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं हिंदी में अंतिम फैसला के नाम से। नंबर 6 जुलाई। तेलुगु सिनेमा में दोबारा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म आती है जिसको थिएटर्स में जाकर लोगों ने दोबारा देखा। ये बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की एक ऐसी भूमिका है जिसमें उनका कोई लक्ष्य नहीं होता और एक रात जिसने अल्लू अर्जुन और सोनू सूद की जिंदगी को पलट कर रख दिया और आप इस फिल्म को हिंदी में देख सकते हैं डेंजरस के नाम से। नंबर 5 रेस गुर्रम। ये भी अल्लू अर्जुन की बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीत लिया था। इस फिल्म में दर्शकों के सभी वर्गों को संतुष्ट किया अपनी बहुत अच्छी कहानी के लिए। ये कहानी है दो भाइयों की जिसमें भाइयों की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। एक हीरोइन का ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और इस फिल्म के संगीत बहुत ज्यादा अच्छा है जो आपको सीटें बजाने के लिए मजबूर कर देगा। आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पुत्र सत्यमूर्ति। अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में दूसरी बार शब्दों के जादूगर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ फिर काम किया। पुत्र ऑफ सत्यमूर्ति अपने पिता के लिए एक पुत्र की श्रद्धांजलि है। ये फिल्म दिल से इमोशनल है। अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म की कहानी भावनाओं के साथ बुनी गई है। नंबर 3 सरनाडू। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। यकीन मानिए ये बहुत कमाल की फिल्म है जिसमें आपको खूब सारा एक्शन देखने को मिलेगा। लव स्टोरी डांस हर एक चीज लाजवाब है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और 2016 में तेलुगु इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। नंबर 2 रुद्मा देवी। ये अल्लू अर्जुन द्वारा किए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक है। रुद्मा देवी ने उन्होंने गोना गन्ना रेडी की एक भूमिका निभाई है। उनकी मौजूदगी में ये फिल्म की गति पूरी तरह से बदल गई थी। उनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लिखा गया है और इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को नंदी पुरस्कार मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। नंबर 1 अल्लाह वाई कुंटुम परमुल्लो। हम अब इस फिल्म के बारे में क्या कह सकते हैं। ये इतनी ज्यादा अच्छी फिल्म है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की बेहतरीन एक्टिंग को और ज्यादा निखार दिया और अल्लू अर्जुन का क्रेज और ज्यादा बढ़ा दिया और इस फिल्म को देखने के बाद लोग और ज्यादा दीवाने हो गए अल्लू अर्जुन के। और इस फिल्म का रिमेक किया गया जिसमें अल्लू अर्जुन की भूमिका कार्तिक आर्यन ने निभाई, लेकिन ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई और अल्लू अर्जुन की अल्लाह भाई कुंटुम परमुल्लो सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। तो ये थी साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट। अगली बार उनकी और फिल्मों के साथ मिलते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।